सब आज मैच में इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, कहने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि क्राउड पर जो भीड़ होगा, जो कि हार्दिक पांड्या, क्या वो भीड़ या क्राउड में जितना भी भीड़ होगा, हार्दिक पांड्या उस जितने भी उनके फैंस हैं, या मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, या सनराइजर हैदराबाद के फैंस हैं, जो भी मतलब फैंस स्टेडियम में आएंगे, जिस तरीके से आवाज़ निकाल रहे थे बुम हार्दिक पांड्या बुम, क्या वो क्राउड की आवाज़ सुनकर हार्दिक पांड्या थोड़े खामोश रहेंगे? या मतलब कि जिस तरीके से उस दिन पहले ही मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई के बीच मैच जब हुआ था स्टेडियम में, जितने भी मतलब दर्शक लोग थे, इतने तरीके से ट्रोल किया हार्दिक पांड्या को, क्या वो ट्रोलिंग मतलब हार्दिक पांड्या को चुभेगी या मतलब कि उनको खामोश करेगी? क्योंकि कमियां तो दोनों टीमों के अंदर हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस के अंदर जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की कमी खल रही है, कहने वाली कोई बात नहीं। अगर उस दिन सूर्य कुमार यादव जी होते तो उस दिन मुंबई इंडियंस आसानी से मैच जीत जाते, क्योंकि इनके कप्तानी में तो हमको नहीं लग रहा है कि आज का भी मैच सनराइजर हैदराबाद से जीत जाएंगे। अगर मुंबई इंडियंस में अगर रोहित शर्मा आज, जो कि टीमों को मैनेजमेंट करना अगर कप्तानी के तौर से देखा जाए तो रोहित शर्मा को, अगर मुंबई इंडियंस में आज रोहित शर्मा जो कि कमांड संभाले, तभी जो कि मुंबई इंडियंस आज जीत पाएगी, नहीं तो नहीं जीत पाएगी। लिख कर ले लो तुम, अगर रोहित शर्मा आज अगर उनका बल्ला चला या बुमराह का गेंदबाजी चला तो जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे, तुम लिख के ले लो। क्योंकि आज जो क्राउड पर वानखेड़े स्टेडियम में अगर मैच जो होगा तो वहां पर क्या आवाज़ें मतलब कि ये सह पाएंगे क्राउड की मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या? हमको तो नहीं लग रहा है कि सह पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्राउड पर जो कि कह रहे थे अहमदाबाद एक झाकी है, अभी वानखेड़े बाकी है, तो यही सब क्राउड सुनने के लिए आज मैच लाइव देखना ज़रूर। क्योंकि जिस तरीके से आज ट्रोल होंगे हार्दिक पांड्या, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्लॉट जिस तरीके से होंगे, कहने वाली कोई बात नहीं। अगर रोहित शर्मा के हाथ में अगर कप्तानी सौंप दी, या मतलब प्यार मोहब्बत से अगर मतलब कि बड़ों सीनियर की रिस्पेक्ट करना अगर वो सब क्राउड पर करेंगे तो ठीक है, अन्यथा नहीं। इतने तरीके से उनको ट्रोल करेंगे उनके फैंस, कहने वाली कोई बात नहीं है। तो हमने सोचा कि आज जो मैच है तो जो क्राउड पर जिस तरीके से बूम होगा, तो आप भी आनंद उठाइए, हम भी उठाइए। इसी पर वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।